ओम श्री गणेशाय नमः। सभी देवताओं में भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की सामान्य पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। समस्त ग्रह नक्षत्रों का जन्म भगवान शिव से ही हुआ है, इसलिए सभी ग्रहों से जुड़ी राशि वाले व्यक्ति इस शिवरात्रि पर अपनी अपनी राशि के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आजमा सकते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन अपनी राशि के अनुसार ये उपाय जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि का स्वामी मंगल है और मंगल का पूजन शिवलिंग रूप में ही किया जाता है। मेष राशि के स्त्री पुरुष शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं दही अर्पित करें, साथ ही भोलेनाथ को धतूरा भी अर्पित करें। कर्पूर जलाकर भगवान की आरती करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक शिवरात्रि पर किसी भी शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर लगाएं, भगवान को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं एवं कर्पूर से आरती करें। मिथुन राशि। इस राशि के जातक स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करेंगे तो उन्हें मनचाहा वरदान मिलेगा। यदि स्फटिक का शिवलिंग उपलब्ध न हो तो किसी अन्य शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है। मिथुन राशि के लोग लाल गुलाल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें, आग के फूल अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अष्ट गंध और चंदन से शिवजी का अभिषेक करें, पैर एवं आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर शिवलिंग का पूजन करें। इसके बाद शिवलिंग पर प्रतिदिन कच्चा दूध अर्पित करें और साथ ही जल भी चढ़ाएं। सिंह राशि। इस राशि के लोगों को फलों के रस एवं पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, साथ ही शिवजी को आंकड़े के पुष्प अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं, पुष्प के साथ ही बिल्व पत्र भी अर्पित करें। कन्या राशि। कन्या राशि के स्त्री पुरुष महादेव को बेर, धतूरा, भांग और आंकड़े के फूल अर्पित करें, साथ ही बिल्व पत्र पर रखकर नवेद अर्पित करें। अंत में कर्पूर मिश्रित जल से अभिषेक कराएं। शिवजी के पूजन के बाद आधी परिक्रमा अवश्य करें, ऐसा करने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लोग जल में विभिन्न तरह के सुगंधित फूल डालकर उस जल से शिवजी का अभिषेक करें। इसके बाद बिल्व पत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि भोलेनाथ को अर्पित करें, अंत में आरती करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, शहद घी से स्नान कराने पश्चात पुनः जल से स्नान कराएं एवं पूजन कर आरती करें। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। पूजन के बाद मसूर की दाल का दान करें। धनुराशि। धनुराशि के लोग भात यानी चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें, पहले चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें, सूखे मेवे का भोग लगाएं, बिल्व पत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आरती करें। मकर राशि। मकर राशि के जातक गेहूं से शिवलिंग को ढककर विधिवत पूजन करें। पूजन आरती पूर्ण होने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दें। इस उपाय से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुंभ राशि। इस राशि के लोग सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत स्थान में स्थित हो। जल में तिल डालकर शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं, इसके बाद काले सफेद तिल अर्पित करें, पूजन के बाद आरती करें। मीन राशि। मीन राशि के लोगों को रात में पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इस समय ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण कर बिल्व पत्र चढ़ाएं तथा आरती करें। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और पूजन के बाद इसका दान करें। तो ये थे दोस्तों महाशिवरात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार करें ये उपाय।